हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10 मैथ का महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में 32 अंक का पूछा जाता है। अगर इस 32 अंकों को कर लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क अचीव कर लेंगे क्लास 10 मैथ में। ये लगभग पूरे मार्क का आधा है। ठीक है, 70 अंक का पेपर आता है, 32 अंक का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। तो ये हमारा दोस्तों पार्ट वन वीडियो है, हर लेसन से, सॉरी पार्ट वन, ठीक है, हर लेसन से हम लोग जो है इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन को आज देखेंगे, लेकिन हम पार्ट टू वीडियो भी इसका लाएंगे अगर आप लोग इसे 500 लाइक तक पहुँचाते हो तो। ठीक है, जितना जल्द पहुंचाओगे उतना जल्द आप लोगों को पार्ट टू वीडियो मिल जाएगा। तो क्लास 10 मैथ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर फर्स्ट आप लोग देखिए, आपका रियल नंबर से है, थोड़ा इधर कर देता हूं, प्रश्न भी दिखे आप लोगों को। ठीक है, ये आपका पहला है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। अब भाई हमें यह नहीं पता है कि मतलब सिद्ध कीजिए अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या, यही क्वेश्चन नहीं सेम यही आ सकते हैं, या ये नहीं आएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है सिद्ध कीजिए अंडर रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए वन अपॉन अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए कि आपका ये जो अपरिमेय संख्या वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय में आएंगे, हमारा आशा है आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, यानी कि लगा लेना एक बार, दो बार, फाइव बार, सिक्स बार, जितना बार लगा पाए लगा लेना। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये हमारा है बहुपद से। देखिए, आपको कलरदार पेन का यूज बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। बहुपद एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का शून्यांक माइनस टू है, तो सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपको दो शून्यांक और ज्ञात करने हैं, क्योंकि एक्स की घात थ्री है, इसलिए इनके जो शून्यांक होंगे थ्री होंगे, और इसके एक शून्यांक माइनस टू ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसका आप लोगों को दो शून्यांक और ज्ञात करने हैं, वो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग किसी भी गाइड या आपके बुक में NCERT का क्वेश्चन है, आप लोग NCERT क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसी टाइप का NCERT क्वेश्चन में होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो इसी टाइप से होगा। अब आप लोगों के पास इतना माइंड है कि उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। वही मैं कहना चाहता हूं कि इस टाइप का या इससे अलग टाइप का भी पूछा जा सकता है, यही मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को। ठीक है, आप लोग देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से दो अंकों से बनी एक संख्या, दो अंकों को मिलाकर बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, दो अंकों की संख्या है, दो अंकों से बनी एक संख्या, दो अंकों की संख्या से एक संख्या बनाएगी तथा उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अगर उनके अंकों को पलट दिया जाए तो उनका योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर दो हो, यदि जो संख्या है उसका अंतर जो हो वो दो हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप लोग एक्स वाई का मान ज्ञात करके जोड़ देना, यानी कि संख्या आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लेना, यानी कि क्वेश्चन को लगा लेना एक बार। NCERT का क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, इस टाइप का क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय में भी मैंने देखा है, कुछ अनसॉल्व पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कि समीकरण हल कीजिए, ये जो है इस समीकरण को आप लोगों को द्विघात परिमेय का सूत्र जो है उसको लगाकर हल करना है। ठीक है, जो आपका श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, वन अपान एक्स माइनस वन, वन अपान एक्स माइनस वन एंड आपका ब्रैकेट में एक्स माइनस टू प्लस वन अपान एक्स माइनस टू एंड ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री, वो बराबर है किसके, टू अपान थ्री के। ठीक है, तो इसे आप लोग समीकरण को जरूर हल कर देना।
ठीक है। तो इस समीकरण को आप लोग हल जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के जो समीकरण हैं आपके दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर में भी पूछे जा सकते हैं। तो लॉन्ग में एंड शॉर्ट यानी कि आपका लघु उत्तरीय दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टाइप के जितने क्वेश्चन मिले आप लोग हल करते चलिएगा। आपके उदाहरण भी हैं इस टाइप के एनसीईआरटी में एंड कुछ एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। एंड हमारा आता है समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन पुटअप किया है, इसे आप लोग देखिए। यदि किसी एपी का प्रथम पद 7 पदों का योग कितना हो, 49 हो। किसी एपी का प्रथम पद, प्रथम 7 पदों का योग, जो प्रथम 7 पद हैं उनका योग 49 हो और प्रथम 17 पदों का योग 289 हो, तो क्या करना है, इनके यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, आप लोगों को एक समीकरण प्राप्त होगा उसे हल करना है, ठीक है। तो इसे जरूर आप लोग पढ़ लेना, सॉरी आप लोग इसे जरूर सॉल्व कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एपी यानी कि आपका जो एपी है यानी कि समांतर श्रेणी है उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि जब आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे रहेंगे तो इसी टाइप का आप लोग तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जो आपका त्रिभुज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिद्ध कीजिए त्रिभुज की किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष जो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। इसमें आपके जो परिमेय है वही इंपॉर्टेंट है, थेल्स परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। और ये जो सिद्ध कीजिए त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब आप लोग, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, परिमेय है एक, इससे आप लोग सिद्ध कीजिए, ठीक है। आप लोग एक बार, दो बार, पांच बार सिद्ध कीजिए, आ जाएगा तुरंत ही समझ में। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख सकते हैं अगले, जैसे आपका अगला पेपर 2019 का हुआ था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। अब चाहे यही हो या इससे कुछ अलग हो, ठीक है, मैं कहना यही चाहता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जैसे संरेखी वाला क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए, ठीक है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, यहां मैंने बिंदु लिख दिया है, ठीक है, बिंदु 1.5, 2.3 और -2.-1 संरेखी हैं। यहां आप लोगों को इन तीनों को बताना है क्या ये संरेखी हैं। अगर 0 के बराबर होंगे तो संरेखी हैं, अगर नहीं होंगे तो नहीं है। वैसे ये आपका जो है संरेखी है या नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये जो है आपका संरेखी है या नहीं है। सॉल्व करके बताना, क्वेश्चन को हल कर लेना एंड हल करके बताना संरेखी है या नहीं है। तो ये दोस्तों मेरा था इंपॉर्टेंट सातवां क्वेश्चन, और आपका ये जो है निर्देशांक ज्योमिति से है। अब हम लोग आठवें क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि आठवां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने मैं ला रहा हूं। अब दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। दोस्तों इसे आप लोगों को सिद्ध करना है, इसमें आपको आंसर दिया हुआ है बराबर के इधर, ठीक है। आपको इसके बराबर या इसके बराबर सिद्ध करें, या इसके बराबर या आप लोग दोनों को सिद्ध करें, ठीक है। यानी कि बराबर होना चाहिए, लक्ष्य सारे चीज बराबर होना चाहिए। सिद्ध कीजिए क्वाट ए माइनस, ये आपका वैसे हाइफन लगा हुआ है, ठीक है, क्वाट ए माइनस क्वास ए अपान क्वाट ए प्लस क्वास ए बराबर है क्वासेक की ए माइनस वन एंड क्वाट क्वासेक ए प्लस वन के। अब इसे आप लोग इसे सिद्ध कीजिए और इसके बराबर सिद्ध कीजिए, और आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगर बराबर आ जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं स्वर्व समीकरण, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लगवाया भी है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं लगवाया है, मैंने लगवाया है, ठीक है। अब हमारा दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, जो कि है आपका किससे, हाइजन डिस्टेंस से। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, जो नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो जो आपका नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है, जो नदी की चौड़ाई है। एक नदी, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आधार ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है।
ये हमारा 9 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट भी करते रहिए, क्योंकि जितना आप लोग नोट्स बनाओगे उतना अच्छा आप लोग लगाते रहोगे, मार्क्स अचीव कर सकते हो, यानी कि आप लोग नोट्स भी बनाया कीजिए, ठीक है। वीडियो को एक बार ना समझ में आए, दो बार देखिए, पाँच बार देखिए, ठीक है, और अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब हमारा प्रश्न नंबर 10 आता है, प्रश्न नंबर 10 देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है, ये आपके लिए परिमेय जो है इंपॉर्टेंट है। क्या है परिमेय? सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है। जो आपका वृत्त होता है ये, ठीक है, ये जो होता है, ये जो है लंब होता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। सॉरी, आप लोग समझिए ध्यान से। सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। 11वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए, ये आपका क्या है? रचनाएं हैं। रचनाएं अक्सर आपके दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, और लॉन्ग में और शॉर्ट में ही आएंगे, दो नंबर में जल्दी नहीं मिलेंगे, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी, जो कि बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आपका 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और जो कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री होना चाहिए, जो वी का कोण यानी कि ए बी सी का कोण होना चाहिए वो 60 डिग्री होना चाहिए। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर आप लोगों को उसी में एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं का 3:4 यानी कि 3/4 गुनी हो। अगर आप लोग लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हार्ड बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, आप लोग तुरंत लगा सकते हैं। अगर हाँ, जब रचनाएँ आप लोग पढ़े होंगे, एक बार लगाए होंगे, तब आप लोग इसे लगा सकते हैं, ठीक है। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 12, ठीक है, आपका 12 चैप्टर से है, सब आपके जो चैप्टर अलग अलग हैं, ठीक है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त हैं, दो वृत्त जिसकी त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त होगा वो बड़ा होगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त छोटा होगा, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जो इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल है उनके योग के वो बराबर है। तो इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, और आप लोग उसे सॉल्व कर दीजिए, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, कितना ईजी है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, आप लोग तुरंत सॉल्व कर लोगे, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर के लिए। पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3/4 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। कितने दर से? 3/4 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यह टंकी का व्यास, जो टंकी है उसका व्यास 3 मीटर है, तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? तो आप लोगों को बताना है जो टंकी है वो कितने समय में आधी खाली हो जाएगी, वो ना कि पूरी, आधी खाली हो जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। कौन सा जो आपका सूत्र लगेगा ये दिमाग लगाइए, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, चैप्टर नंबर 13 से है, 13 से, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और 2 या 3 बार लगाइए, ठीक है। अब हम आप लोगों को सांख्यिकी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, सांख्यिकी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी की आपका केवल लघु उत्तरीय और आपका जो है दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब सांख्यिकी आप लोग देख लीजिए, निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य 25 है। इसका जो समांतर माध्य है वो 25 है, एक दे दिया है समांतर माध्य जो है वो दे दिया है आप लोगों को 25 है। दोस्तों इसका समांतर माध्य 25 है, 25 पी का मान ज्ञात कीजिए। यहां जो दोस्तों पी लिखा हुआ है, इसका माध्य सॉरी मान ज्ञात करना है,
समांतर माध्य दिया है। अब आप लोग सूत्र लगाइए, ठीक है। मैं एक सारणी भी बनाई है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा सा छोटा सा। वर्ग अंतराल जीरो को आपका जो हाइफन 10 एंड 10 20 20 30 30 40 एंड 40 50, फिर 12 मानता 5 18 15, फिर यहाँ पी का मान ज्ञात करना है एंड 6। तो पी का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पी का मान ही ज्ञात करना है, तो पी का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जो आपका लास्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन। ये आप लोग देखिए, एक थैले में 3 लाल कलर, आप लोग देख सकते हैं लाल कलर है, ठीक है। तो 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं, 5 यानी कि कलर से भी आप लोग पहचान सकते हैं, अगर जो कलर है उससे आप लोग देखिए, 5 काली गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है? लाल जो गेंद है लाल है, अब लाल हो तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और काली की, ठीक है, जो लाल नहीं हो तो लाल नहीं होगी तो काली होगी, तो काली यानी कि लाल नहीं हो और लाल हो, इन दोनों की आप लोगों को प्रायिकता ज्ञात करनी है। और प्रायिकता बहुत ही सरल सा चैप्टर है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है प्रायिकता का चैप्टर, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारा जो 500 लाइक है जल्द ही पहुंच जाए, मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 वीडियो ला सकूं, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो, एंड मैं आप लोगों के लिए प्रायिकता भी पढ़ा सकूं जो आप लोगों को दिक्कत है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे मैंने कई सारा इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सामाजिक विज्ञान सभी का वीडियो बन चुका है, ठीक है, उस सभी को देखिए, 2000 जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।